लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हक मांगने में क्या गुनाह है? ट्रेन फेल से पहले बीटेड होनी चाहिए, जो कि हम 14 जून से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मांग सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमको बार बार वोट उतरना पड़ रहा है। सातवां चरण से पहले एक पात्रता परीक्षा होना चाहिए, तभी जा करके कि 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, फिर हम लोग के साथ अन्याय क्यों? यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर डटेंगे जब तक कि सरकार के तरफ से कोई न कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आ जाए। सरकार की नाकामी है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को भर देती है। इंसाफ आज तक तो नहीं मिला है, पिछले 3 महीना से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, आज तक कोई सिर्फ आश्वासन मिला है, फिर यहाँ आश्वासन देने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे नहीं रुकेंगे इस बार। नमस्कार, मैं हूँ निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पे बीटेक के जो छात्र हैं वो पहुंच गए। देखिए, ये वो बीटेक के छात्र हैं जो एग्जाम लेने के लिए, यानी 5 साल से एग्जाम नहीं हुआ, इसलिए लोग सड़क पर उतरे। क्या नाम है, क्या मांग है? मेरा नाम संदीप कुमार है और मैं कहना चाह रहा हूँ सरकार से कि अभी ऐसा जो सिचुएशन क्यों किया जा रहा है? आखिर लोग तो अपना हक मांग रहे हैं ना, हक मांगने में क्या गुनाह है यहाँ पे बिहार सरकार से? क्या होगा आज? जी, हम लोग शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे और राजद कार्यालय का राबड़ी देवी का घेराव करेंगे। देखिए, लोग कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे और राजद कार्यालय का घेराव करेंगे। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो परीक्षा के लिए, जी हाँ, परीक्षा के लिए, परीक्षा हो बीटेड का, इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि आज शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे और राजद का घेराव करेंगे। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि कितने लोग मौजूद हैं। तो मांग क्या है? हमारी मांग है 7 फेज से पहले बीटेड होनी चाहिए, जो कि हम 14 जून से बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मांग सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए हमको बार बार वोट उतरना पड़ रहा है। सातवां चरण से पहले एक पात्रता परीक्षा होना चाहिए, तभी जा करके पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी है और बातचीत अभी लगातार हो रही है। कहना है कि आज आगे जाएंगे तो जाएंगे। देखिए, सब लोग जो हैं, सर शांति मार्च करने के लिए हम लोग को इस तरह रोड जाम करना उचित नहीं है। सब लोग बैठ गए। जी हाँ, ये देखिए, सब लोग बैठ गए हैं। ये बीटेड के छात्र हैं जो आज गुस्साए हुए। देखिए सर, हम लोग विगत 5 साल से बिहार में पात्रता परीक्षा नहीं हुआ है, हम ये कहना चाहते हैं कि 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, फिर हम लोग के साथ अन्याय क्यों? जब जब पात्रता परीक्षा हुआ है, 2011 में जब बहाली हुआ, फिर भी पात्रता मतलब आपको चाहिए कि 7वां चरण से पहले एक बार पात्रता परीक्षा हो। जी, हमारा एक ही मांग है, 7वां चरण से पहले। उन लोग का नहीं हुआ तो आप लोग का क्या होगा? देखिए, हमको 7वां चरण से पहले बीटेड चाहिए हर हाल में। बैरिकेटिंग लग गया, आप क्या करिएगा? हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या करिएगा? यहीं पर बैठेंगे, यहीं पर डटेंगे जब तक कि सरकार के तरफ से कोई न कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया आ जाए। यहाँ पर बैठेंगे। ये दोगली पुलिस प्रशासन की नाकामी है, ये दोगली सरकार की नाकामी है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पुलिस प्रशासन को भर देती है हम लोगों को। क्या होगा आज आप लोग का? जब तक ले सरकार से हम लोग आज 90 या 95 दिन से मांग कर रहे हैं अपनी, और जब तक ले सरकार नहीं मानेगी हम लोग की मांग, बिहार में प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेगी, तब तक हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इन लोगों का मांग है कि बीटेड होना चाहिए, 7वां चरण से पहले बीटेड चाहिए इनको। हाँ, हमको एक पात्रता परीक्षा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, नहीं। देखिए, आप अभी बातचीत हो रहा है तो क्या लग रहा है, इंसाफ होगा कि नहीं? इंसाफ आज तक तो नहीं मिला है, पिछले 3 महीना से हम लोग संघर्ष करते आ रहे हैं, आज तक कोई सिर्फ आश्वासन मिला है, फिर यहाँ आश्वासन देने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम लोग आश्वासन पे नहीं रुकेंगे इस बार। शिक्षा मंत्री का घेराव कह रहे करेंगे, जी शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे, हमको आज लिखित आश्वासन मिलना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग आज रुकेंगे। आज मौखिक से नहीं चलेंगे, नहीं, लिखित आज होना चाहिए कि 7 फेज से पहले बीटेड का आयोजन करने जा रहे हैं। बीटेड के छात्र देखिए किस तरह से पहुंचे हुए हैं जेपी गोलंबर पे और आज साफ कह रहे हैं कि आज मौखिक वाला सीन नहीं होना चाहिए, आज लिखित में देंगे तभी जाएंगे, नहीं तो आज यहाँ पे बवाल हो जाएगा। तो बस क्या कुछ कहना था छात्रों का, वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर से पेज को लाइक करें। धन्यवाद।